I enjoyed the visit. I actually didn't know that women were allowed into the mosques. मेरे को मस्जिद में पहली बार आई मैं कभी भी जब बाहर से जाती थी I would always wonder कि मस्जिद के अंदर कैसा होगा. ये प्रोग्राम असल में विजिट माय मॉस्क और ईद मिलाप जी ये दो उसमें जो है ये प्रोग्राम हम रखे गए दो मकासद के वजह से. सबसे पहले तो ये है कि मस्जिद के अंदर क्या होता है जी. और चूंकि मस्जिद जो है इस्लाम के एक एपिसेंटर के तौर पर यानी एक बुनियादी जो है उसको एक हैसियत हासिल है जी. तो हमने ये सोचा है कि गैर मुस्लिमीन जो हमारे बरादरान हैं उनको मस्जिद में ही बुला करके जो है एक तो मस्जिद का भी तारुफ दें और साथ में इस्लाम का भी बुनियादी जो निकात हमारे हैं तौहीद रिसालत आखिरत इस तरह का बोलना. ये देखिए विजिट अ मॉस्क ये एक इवेंट ये यहाँ पर अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम हुमायूं नगर यहाँ पर अरेंज किया गया है जिसमें हमारा मकसद ये था कि मॉस्क जो है मस्जिद जो चीज़ है मतलब क्या है यहाँ पर आकर लोग क्या करते हैं और यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा वो हम चाहते थे कि हमारे गैर मुस्लिम बहन भाइयों को बताएं कि हम मस्जिद में कैसे इबादत करते हैं कैसे नमाज पढ़ते हैं और कैसे इमाम जो है लीड करते हैं प्रेयर को और पीछे कोई भी गरीब अमीर कोई भी जो है ना इक्वालिटी के साथ कोई भी खड़े रह सकते हैं नमाज में. और जो पहले आता है ऐसा नहीं है कि VIP के लिए अलग से जगह कोई ऐसी खास जगह नहीं मुकर्रर की जाती है तो ये हम बताना चाह रहे थे. और ये चीज़ कई लोगों के मिथ्स होते हैं जैसे कि सबसे बड़ा मिथ आज मैंने जो क्लियर किया है कई गैर मुस्लिम बहनें जो हमारे साथ अभी 40-45 गैर मुस्लिम बहनें यहाँ पर आई हैं तो सबसे बड़ा मिथ ये था कि वुमेन कैन नॉट विजिट मॉस्क. तो ये लोग ये कह रहे थे कि क्या औरतों को भी मस्जिद में आने का परमिशन है. तो मैंने कहा बिल्कुल देखिए मैं भी कैसे आपके सामने घूम रही हूँ और मुस्लिम वुमेन ही नहीं बल्कि आप भी गैर मुस्लिम हैं तो मैं आपको भी बता रही हूँ. तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो आज उन लोगों को क्लियर हुआ है कि लड़कियाँ या औरतें भी जो है ना मस्जिद को आ सकती है. उसके अलावा हमने हिजाब के बारे में बताया उन्हें और उसके बाद में अज़ा बताई हमने तो हिजाब का भी जो उनका एक कन्फ्यूजन में थे वो लोग तो हमने बताया कि क्यों किया जाता है हिजाब और वजू कैसे बनाया जाता है नमाज कैसे पढ़ी जाती है अज़ा क्या चीज़ है अज़ा में बोला क्या जाता है. So, how was your experience visiting the mosque? Oh, it was very nice. It was very beautiful also and very calm and tranquil. Okay, I enjoyed the visit. I actually didn't know that women were allowed into the mosques. All these days I thought only men were allowed to go. Okay. So it was a pleasant surprise for me to be invited and also enjoyed the whole trip around the mosque. Okay. Ma'am, you aapka naam? Mera naam Meenakshi. अच्छा तो आप कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मेरे को मस्जिद में पहली बार आई मैं कभी भी जब बाहर से जाती थी आई वुड ऑलवेज वंडर कि मस्जिद के अंदर कैसा होगा एंड मुझे बहुत अच्छा लगा मस्जिद के अंदर आके. बहुत शांति है मुझे अगर कभी मौका मिला तो फिर जरूर आऊँगी मैं. बहुत अच्छा लगा. हाँ ना पेर अभिषेक निकड़ा बीटेक చేస్తున్నా. ఇప్పటి వరకు నేను ఎందులో వెళ్ళలేదు ఇట్లా మసీదులకు. చాలా టైమ్స్ వెళ్దామనుకున్నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కానీ ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఎవరు ఇన్వైట్ చేయలేదు. ఇలా కొత్తగా అనిపించింది నాకు చాలా మంచిగా పీస్గా ఉంది ఇక్కడ. ఇది ఇంత మంచిగా ప్రేయర్స్ మా చాలా బాగుంది ఇక్కడ. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ చాలా బా రిసీవింగ్ మంచిగా ఉంది చాలా నచ్చింది నాకు కూడా. ఎప్పుడైనా రావచ్చా నాకు తెలియదు. ఇప్పటి నుంచి నేను వద్దాం అనుకుంటున్నా ప్రేయర్స్కి. చాలా వాషింగ్ కానీ క్లీన్నెస్ కానీ చాలా బాగుంది నేచర్ ఇంకా చాలా పీస్గా. మీరు నామ్ కే పరమేశ్వర రావు హై జీ సార్ మై జో హై కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ మే యాజ్ ఎ జీఎం జాబ్ కర్తా హూం సర్. తో యే ఈవెంట్ కా ఆప్కా ఎక్స్పీరియన్స్ కైసా థా పూరా? యే జో ఈవెంట్ జో హై హమ్కో ఇన్వైట్ కియా హై జీ హమ్నే యహాన్ పర్ హమ్నే దేఖా హై బహుత్ అచ్చా లగా హై హమ్కో ఇస్లాం కే బారే మే జో హై బహుత్ అచ్చీ తరీకే సే ఎక్స్ప్లెయిన్ కియా హై वो बहुत हमको बहुत अच्छा लगा है और सब हम जो है इस्लाम के बारे में हमको एक्सपीरियंस भी हो गया है इसका. जी जी ओके. बहुत अच्छा लगा है जो प्रोग्राम जो है आप लोगों ने किया है जी इसका. जी इवेंट का मेन मकसद ये है कि हिंदू भाइयों के अंदर गलत फहमियाँ हैं और मज़ीद उसके अंदर जो है गलत रूमर्स और अफवाहों के जो है उनके उनके तरफ फैला दिया गया. मिसाल के तौर पर मसाजिद जो है दहशतगर्द
गर्दी के अड्डे हैं, मदरसे मदारिस जो है हमारे यहाँ पर टेरर एक्टिविटी सिखाई जाती हैं, तो हम इसको जो है ख़त्म करने के लिए और यहाँ से सही पैगाम पहुँचाने के लिए हम यहाँ पर, और एक हमारा मकसद मस्जिद में बुलाने का ये है कि मस्जिद सिर्फ नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है, सिर्फ नमाज़ पढ़े और चले गए ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी जहाँ पर होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो लोग आए उनको हमने नीचे जो हमारा सेकंड ओपिनियन डॉक्टर्स का क्लिनिक जो ओपन फॉर ऑल है वो बताए, और उसके बाद जो हम क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस की जो क्रेडिट फ्री सोसाइटी के लोन्स वो भी जो है हम तारीफ कराए हैं।